नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके आया हूँ। जो हमारा सेक्शन है आज का, वो है मादक पदार्थ और उनके स्रोत, मतलब मादक पदार्थ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं और मादक पदार्थ कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअल में ये जो पार्ट है ये अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न एक दो आ जाते हैं कभी कभी। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं, अच्छे से अटेंड कर लेंगे, अगर आपको सही हो जाता है प्रश्न ये, तो आप क्या होंगे, बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को, इस सेक्शन को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको। ठीक है, इसमें बहुत ढेर सारे मतलब कि मादक पदार्थ के अलावा भी बहुत से ऐसे अल्कलाइड पाए जाते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ दूसरे मादक पदार्थों की बात करूँगा जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो उसी की चर्चा हम आज यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है हमको कि जो मादक पदार्थ होते हैं वो होते क्या है। मादक पदार्थ सिंपली हम जानते हैं, इसका अर्थ अगर हम समझें सीधे कहेंगे, जो शरीर को नुकसान पहुँचाए या जो हमें एक्चुअल चीज़ों से क्या करें, दूर ले जाए। एक्चुअल मतलब वास्तविकता से दूर ले जाए, हमें ऐसा आभास हो हम किसी कल्पना की दुनिया में मतलब क्या खो जाएँ, तो ऐसा मादक पदार्थ का ये वर्क होता है। ये मतलब कि हमको जो नशे में डाल दे, जैसे कि लोग क्या करते हैं, नशे के लिए क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें मतलब कि जो अब्यूज़ हैं वो समाज में विद्यमान है और उसको लेते हैं लोग। तो वही जो मादक पदार्थ वही है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर वो सब चीज़ें बनती हैं जो नशे के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो मादक पदार्थ एक्चुअल में होता क्या, अगर जब हम लोग साइंस में पढ़ेंगे तो आखिर में होता क्या है वो, तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। यहीं शुरुआत करेंगे हम कि मादक पदार्थ एक्चुअल होता क्या है। तो मादक पदार्थ होता है एक्चुअल में एल्कलाइड होता है। क्या होता है? एल्कलाइड। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एल्केलाइड। तो एल्केलाइड जो होता है, आप इसके बारे में सुनते भी होंगे, एल्केलाइड पाए जाते हैं बहुत से। ये एल्केलाइड मुख्य रूप से देखे जाए तो पौधों के अंदर ही एल्केलाइड पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो एल्केलाइड, अभी एल्केलाइड हो गया, पदार्थ क्या है, सिंपल एल्केलाइड है। अब एल्केलाइड क्या है, क्योंकि एल्केलाइड तो एक टर्मोलॉजी होगी, लेकिन जब तक इसके बारे में हम बेसिक्स नहीं समझेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो एल्केलाइड मुख्य रूप से क्या होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन। अर्थात इसका मतलब ये है कि एल्केलाइड क्या होते हैं, वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, मतलब उसमें नाइट्रोजन विद्यमान होता है। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं, एल्केलाइड कहलाते हैं। एल्केलाइड ही मादक पदार्थ हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ एल्केलाइड कहलाते हैं। ठीक, अब ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ किससे बनेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो क्या होता है कि जब कोशिकाओं में नाइट्रोजन का प्रोटीन का विघटन होता है, तो किसका विघटन हो रहा है, प्रोटीन का विघटन। ध्यान देंगे, प्रोटीन का विघटन, मतलब प्रोटीन टूट रहा है। तो जो इसका मतलब क्या, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ठीक है, तो प्रोटीन का विघटन से क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग एल्केलाइड कहते हैं। और मादक पदार्थ क्या होते हैं, एल्केलाइड होते हैं, मतलब एल्केलाइड क्या होते हैं, मादक पदार्थ हो सकते हैं। ये तो हो गया, अब ये कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन के विघटन से बनना है। अब ये किस कोशिका की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पौधों की कोशिका की बात कर रहे हैं। मादक पदार्थ मुख्य रूप से हमको पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे, अब विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं और उनसे प्राप्त होता है। अब वो किससे प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त हो सकता है, तने से प्राप्त हो सकता है, फूल से प्राप्त हो सकता है, जड़ों से प्राप्त हो सकता है। तो जो आपका पूरा पौधा है उसके जो विभिन्न पार्ट हैं, शूट सिस्टम और आपका रूट सिस्टम जो है, वहाँ से क्या कहते हैं, मादक पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। या तो वो जीवित पौधे होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, या तो मृत हो जाते हैं पौधे तो उनसे प्राप्त, सुखा कर पौधों को प्राप्त किया जाता है, कई तरीके से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे वो कौन कौन से जो हमारा महत्वपूर्ण, अब जो यहाँ से पहले बताओ समझ गए कि एल्केलाइड होते क्या है और एल्केलाइड से मादक पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन युक्त कैसे हो गया, क्योंकि प्रोटीन का विघटन हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। अब वो पौधे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखें कौन कौन से पौधे हैं, पोस्ता का पौधा हो गया, कैनाबिस का पौधा हो गया और कोका का पौधा हो गया। तो पौधे के रूप में जो महत्वपूर्ण है वो है पोस्ता का पौधा, कैनाबिस का पौधा और कोका का पौधा। ये तीन पौधे महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों पौधों से विभिन्न विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं
चिकित्सीय सुविधा में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ जिस जो इसके एडिक्ट हो जाते हैं उनको क्या करता है, ये नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है, जैसे गलत उपयोग किया जाएगा। तो ड्रग्स वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर पोस्ता का पौधा आप लोग पढ़ते हैं, प्रश्न अक्सर अराइज होता है पोस्ता के पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो पोस्ता को पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, इससे एल्कलाइड प्राप्त होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ शुरुआत में बता दिया कि एल्कलाइड है, ठीक है। तो एल्कलाइड से एल्कलाइड हो गया, अब एल्कलाइड में कौन कौन से एल्कलाइड से क्या क्या प्राप्त हो रहा है, अफीम बन रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे, अफीम बन रहा है, अफीम बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, मॉर्फिन बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, कोडेन बन रहा है, फिर क्या थीबेन बन रहा है। तो क्या क्या बन रहा है, अफीम, मॉर्फिन, ये ज़्यादा फेमस वर्ड हैं जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। कोडेन और थीबेन भी बनता है, ये भी हमारा क्या है, एल्कलाइड है। जब अफीम का संश्लेषण किया जाता है कृत्रिम रूप से, इसका संश्लेषण करें कृत्रिम रूप से, तो हेरोइन बनता है, जो कि क्या होता है, किस कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, किस कलर का, सफ़ेद रंग का हेरोइन, जिसे हम लोग स्मैक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मैक। तो स्मैक जो वर्ड है इंग्लिश की टर्मोलॉजी है, स्मैक को हेरोइन कहते हैं। और ये किससे बनता है, तो हेरोइन कोई अलग से नहीं आ गया है कहीं और, अलग से कोई अलग पार्ट नहीं है ये, तो ये किससे बना है, अफीम से ही बना है हेरोइन। तो अफीम का सब संश्लेषण कृत्रिम रूप से करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या बनता है, हेरोइन बनता है। अब देखेंगे यहाँ पे एक शब्द और है, ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर का भी लोग नाम सुनते हैं, ये भी हमारा क्या, मादक पदार्थ है। तो ब्राउन शुगर का निर्माण किससे हो रहा है, तो ब्राउन शुगर कुछ अलग, कोई अलग नहीं है, ठीक है, मादक पदार्थ, ये क्या, हेरोइन का मिलावटी रूप होता है। किसका होता है, हेरोइन का मिलावटी रूप। अब हेरोइन का मिलावटी रूप कैसे बना, इसमें 20% क्या होता है, हेरोइन होता है, मतलब कि जो अफीम का संश्लेषण से बना था, और बाकी 80% अन्य पदार्थ होते हैं इसके अंदर। तो इसको बोलते हैं ब्राउन शुगर। तो ब्राउन शुगर किसका पार्ट हो गया, ये हेरोइन का पार्ट हो गया, और हेरोइन किसका हो गया, अफीम का, ठीक है। इसके अलावा कोडेन और थीबेन जरूर याद रखिएगा आप लोग, बाय द वे नहीं पूछा अफीम और मॉर्फिन, तो कोडेन और थीबेन पूछ सकता है। तो कोडेन और थीबेन एल्कलाइड किससे प्राप्त होता है, पोस्ते के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब पोस्ते के पौधे से एक और पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे कहते हैं नोस्कापीन। तो ये नोस्कापीन जो है, ये भी क्या होता है, तरह का मादकी पदार्थ होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट में किया जाता है, मतलब चिकित्सीय दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसको दुरुपयोग से होने से बचाया जाता है, कि इसका दुरुपयोग ना हो, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, तो नोस्कापीन का नाम सुनेंगे, नोस्कापीन किससे, पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं अगर पोस्ते के पौधे से जो भी हमें मादक पदार्थ प्राप्त हुए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो ये क्या करता है, मानव शरीर की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। हर एक मादक पदार्थ का अलग अलग रोल हो सकता है, या एक रोल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, तो जो पोस्ते के पौधे से जितने भी, जैसे अफीम हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडेन हो गया, थीमेन हो गया, हेरोइन हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, नोस्कापीन हो गया, तो ये नोस्कापीन का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड किया जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से इसको करते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर के जितने ये नहीं प्रयोग किए जाते, ये क्या मादक पदार्थ के रूप में ही पहचाने जाते हैं। और इस पर क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न कंट्रीज क्या रोक भी लगा के रखती है, जिससे उनका समाज क्या हो, बिगड़े ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, मानव क्रियाशीलता को कम कर देता है, आपकी कार्य क्षमता को कम कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ पोस्ता के पौधे से हमको देता है। अब आते हैं नेक्स्ट, कैनाबिस का पौधा। कैनाबिस में दो प्रकार के पौधे आते हैं, कैनाबिस स्टाइवा और कैनाबिस इंडिका। तो दो पौधे हैं, ये दिमाग में रखेंगे, तो कैनाबिस याद रखें, समान तौर पर कैनाबिस का पौधा पूछा जाता है परीक्षा में। अब आप देखते हैं कैनाबिस का जो पौधा होता है, उससे जो तत्व प्राप्त होता है, वो पार्ट पौधे का कौन सा पार्ट होता है, वो पुष्प क्रम होता है। वो क्या होता है, पुष्प क्रम। तो पुष्प क्रम से क्या प्राप्त कहता है, कैनाबिनाइड्स, कैनाबिनाइड्स। तो कैनाबिस से कैनाबिनाइड्स तत्व प्राप्त किया जाता है, इसी से क्या होता है, मादक पदार्थ बनाए जाते हैं। अब ये कैनाबिनाइड्स तत्व जो होता है, अब इससे कौन कौन से मादक पदार्थ बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, जैसे उदाहरण देखेंगे, मैरिजुआना, तो मैरिजुआना हो गया, उसके बाद देखें हशीश, फिर चरस, फिर गांजा, फिर भांग, ठीक है। तो मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा और भांग, ये क्या है, कैनाबिस पौधे से प्राप्त किया जाता है। आप अक्सर देखते हैं ये गांव वगैरह में, देख मैरिजुआना का पौधा देखने को मिलता है, जिससे गांजा ये भांग बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैरिजुआना, अब मैरिजुआना किससे प्राप्त हुआ, ये एक मादक पदार्थ है, किससे प्राप्त हुआ, पत्तियों से, तने से, फूल से, और उसके बीज से भी, उस पौधे के बीज से भी मैरिजुआना प्राप्त किया था।
अभी आप ये करंट अफेयर का टॉपिक है कि मैरिजुआना सर्वप्रथम किस देश ने लीगलाइज कर दिया, वैध करार दिया है, तो किसने दिया है? उरुग्वे ने। तो उरुग्वे याद रखेंगे आप, मैरिजुआना को उरुग्वे ने क्या किया है, लीगलाइज कर दिया, वैध कर दिया है। तो ये किससे प्राप्त किया था? पत्ती, तना, फूल और बीज से। हशीश जो होता है और चरस, हशीश और चरस एक प्रकार का गोंद होता है जिसमें क्या होता है, कैनाबिनॉइड्स तत्व पाया जाता है। जो हशीश होता है वो जो तो पौधा होता है, जो कैनाबिस का पौधा होता है उसके क्या होता है, जीवित पौधे से प्राप्त किया जाता है। और जो चरस होता है वो जो मृत पौधा होता है, जो जिसमें जो मतलब कि जो नष्ट हो चुका होता है, जो सूख जाते हैं, ठीक है, उनसे प्राप्त किया जाता है। गांजा भी कैनाबिस पौधे से प्राप्त किया जाता है। और भांग जो होता है ये होता है पत्ती, फलों या फलों के ऊपरी भाग से या उसके रेजिन से प्राप्त किया जाता है। और ये क्या होता है, ये नर पौधा होता है। तो नर पौधे की पत्तियों को सुखा कर क्या बनाया जाता है, भांग बनाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के कौन सा पौधा, कैनाबिस का पौधा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रभाव देखते हैं। इसका प्रभाव मुख्य रूप से क्या होता है, हार्ट पर पड़ता है। हार्ट पर इसका प्रभाव होता है मुख्य रूप से, मतलब कि हृदय पर। इसीलिए किस तंत्र पर प्रभाव होता है, कार्डियोवैस्कुलर तंत्र पर इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखेंगे। अब आता है कोका का पौधा। तो कोका का पौधा जो होता है ये क्या होता है, इससे कौन से एल्कलाइड प्राप्त होता है, उसका नाम होता है, जैसा कि नाम है पौधे का उसे इसका नाम भी है। तो कोक एल्कलाइड्स बोलते हैं इसको, या कोकेन बोलते हैं, या कोक बोलेंगे, या क्रैक बोलेंगे। तो कई नाम है, क्रैक कह सकते हैं, कोक कह सकते हैं, कोकेन कह सकते हैं, सुनते हैं आप लोग कोकेन, ठीक है। और कोक एल्कलाइड बोला जाता है, ठीक है। तो ये इससे ये मादक पदार्थ प्राप्त बनता है ये कोक के पौधे से। और इसका प्रभाव क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। तो तंत्रिका तंत्र कोक का पौधा हो गया, कार्डियोवैस्कुलर तंत्र पर कैनाबिस का पौधा हो गया, और पोस्ता का पौधा जो था हमारी शरीर की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब आते हैं अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ भी हैं, मतलब अन्य मादक पदार्थ भी है, जैसे बारबिट यूरेट्स, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी हल्का हल्का जानेंगे। बारबिट यूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन्स, लाइसर्जिकल अम्ल, डाई इथाइल एमाइड। तो ये सब क्या है, ये अन्य पदार्थ हैं, ठीक है, जो मादक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ड्रग्स बनाने, दवाइयों बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब और देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसके अलावा, जैसे एम्फिटामिन। तो एम्फिटामिन भी मादक पदार्थ है। इस ये क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो इसका प्रयोग भी मादक पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो क्या नाम है, एम्फिटामिन, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव इसका डालता है। एफिड्रीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एफिड्रीन अक्सर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एफिड्रीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सर्दी खांसी के उपचार में, या फिर डॉक्टर क्या करते हैं, फेफड़े में हवा को पंप करने के लिए उससे पहले इस एफिड्रीन दवा का प्रयोग करते हैं। इस मादक पदार्थ का प्रयोग ड्रग्स के रूप में वहाँ पर किया जाता है। तो सर्दी खांसी का उपचार, और सर्दी खांसी का संबंध किससे, सीधे फेफड़े से होता है, ठीक है। या फेफड़े संबंधी कोई अगर रोग है तो वहाँ पर एफिड्रीन का प्रयोग किया जा सकता है। फिर देखें केटामाइन, केटामाइन का भी आप सुनते हैं। तो केटामाइन का उपयोग अक्सर बेहोशी के लिए किया जाता है, किसी को बेहोश करने के लिए केटामाइन का प्रयोग किया जाता है। और खासकर ये जानवरों के लिए, जैसे हो गया जैसे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में जो शेर चीते होते हैं उनको बेहोश करने के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट उनको करना है तो पहले उसको बेहोश कर देते हैं, वरना वो क्या कहते हैं, अटैक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनको बेहोश करने के लिए इस दवा केटामाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यदि इसका दुरुपयोग का मानव करेगा तो मानव में क्या होता है, उसको के होल नामक क्या होती है, एक तरह की बीमारी होती है जो उसको हो सकती है। तो उसका नाम है के होल। तो के होल में क्या होता है कि मैं आदमी को कैसा महसूस होता है, शरीर से बाहर और मौत के नज़दीक उसको ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल हवा में अपने आप को महसूस करता है वो। तो मादक पदार्थ का उपयोग ही क्या है, ठीक है, कल्पना की दुनिया में उसे ले जाता है व्यक्ति को। तो कल्पना की, तो शरीर से बाहर और मौत के नज़दीक उसको ऐसा महसूस होता है, उसको केटामाइन दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या क्या देखिए, आप देख सकते हैं कि बेहोशी उसको महसूस होने लगती है, किसी व्यक्ति को भी बेहोशी महसूस होगी, और क्या जानवर पर ज़्यादा प्रभाव डालती है ये, ठीक है। आप देखेंगे मीथाक्वेलोन। तो मीथाक्वेलोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तनाव मुक्ति निद्रा के लिए। तो नींद की जो गोलियाँ आती हैं उसमें देखेंगे तो मीथाक्वेलोन की मात्रा होती है। तो निद्रा के लिए, तनाव मुक्ति के लिए
मतलब टेंशन है किसी को, तो ये अगर मेथोकोलिन उसको दिया जाता है तो उसको ये होता है। जैसे मान ली कोई अवसादग्रस्त हो गया, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको टेंशन है, तो डॉक्टर क्या करते हैं अपनी दवाइयों में इसका भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं LSD, इसे बोलते हैं लिसर्जिक अम्ल। तो लिसर्जिक अम्ल क्या होता है, ये पार्टियों में बहुत ही मतलब कि बैड है, पार्टियों में लोग इसका प्रयोग कर देते हैं, तो इसे इसे लोकप्रिय पार्टी ड्रग भी की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आप ये इस तरह से आपने जाना कि LSD क्या है, लिसर्जिक अम्ल है। इस तरह से आपने काफ़ी महत्वपूर्ण मादक पदार्थों के बारे में यहाँ जाना। अब यहाँ पर जो एक चीज़ और हल्का से जान लीजिए कि मादक पदार्थों के अलावा बहुत से ऐसे अल्कलाइड होते हैं जो कि उत्सर्जी पदार्थों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे, जैसे कि कॉफ़ी में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, चाय में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इन सब की भी चर्चा हम लोग करेंगे, वो हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।